दोस्तों स्वागत है आज का हमारे वीडियो में। अगर आज मेरे पास है सैमसंग का फ़ोन, तो अगर मैं आप सभी को बताऊंगा अपने सैमसंग के फ़ोन में कैसे आप किस तरीके से वैसे आप स्क्रीन टाइम आउट किस तरीके से डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो वैसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने फ़ोन सेटिंग के आपको ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद कैसे आपको यहाँ काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कैसे आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके कैसे आपको डिस्प्ले के ऑप्शन पे दिखाई दे रहा होगा, कैसे आपको उस पर क्लिक कर देना है। डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद कैसे आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हुए कैसे आपको ऑप्शन मिलता है नीचे स्क्रीन टाइम आउट। तो कैसे आपको स्क्रीन टाइम आउट पर क्लिक कर देना है। फिर कैसे आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं कैसे स्क्रीन टाइम आउट पर। तो कैसे आपको इनमें से कैसे आपको किसी को भी एक को सिलेक्ट कर लेना है। तो कैसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं कैसे इसको कैसे आप किसी को कर देना है सिलेक्ट। फिर कैसे जो हमारे जो डिफ़ॉल्ट हो गया है तो इसके बाद कैसे आपको बैक कर देना है। तो कैसे आज का वीडियो में इतना ही। तो कैसे आई होप गाइस आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसे आप सभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो कैसे आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।